दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को अब नया घर मिल गया। केजरीवाल को नया घर मिलने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली कर दिया है। वो आज लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। नए घर में शिफ्ट केजरीवाल को नया घर मिलने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने शपथ पत्र 2013 को दिया था कि कभी सरकारी बंगला गाड़ी सुरक्षा नहीं लेंगे। केजरीवाल अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, ऐसे में केजरीवाल सरकारी बंगला ले रहे हैं। केजरीवाल जी, 5 फिरोजशाह रोड के बाहर खड़े होइए। वो जो 7 फरवरी 2013 को दिल्ली वालों को एक एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट की प्रति निकालिए। मूल प्रति जो आपके पास रखी होगी उसको जला दीजिए। हम भी ये सवाल करना ही बंद कर देंगे कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के बयान के बाद पलटवार में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल ने ना तो एलजी के दबाव में इस्तीफा दिया और न ही बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिया है। देखिए, एलजी साहब के या भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल का मन करा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दिया इसलिए मुख्यमंत्री के पद के साथ जुड़ी हुई जो सुविधाएं थी उनको छोड़ने का फैसला उन्होंने किया। ये अरविंद केजरीवाल का फैसला है, उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो उनको मन किया उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी को जो मन करे वो करे। और अगर उस बंगले से इतनी ही तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी के सातों सात सांसद रह रहे हैं उन बंगलों के अंदर, उनसे छुड़वा दे बंगले। केजरीवाल के नए मकान मिलने के बाद अब दिल्ली में विपक्षी पार्टियां केजरीवाल को घेरने में लगी हैं और दिल्ली में राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के नए सरकारी मकान में शिफ्ट होने को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में जरूर जनता के बीच इस मुद्दे को उठा सकती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सिविल लाइन स्थित मकान को खाली कर दिया है, और उसके बाद वो अब अपने मकान में 5 फिरोजशाह रोड में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल चौरसिया के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।